हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। केम छो तमे बदा दोस्तों। अभी देखो वैश्वी जागने लगी है। कहाँ पर उसे सुलाया था? यहाँ पर सुलाया था और ये यहाँ पर पहुँच गई है। वैश्वी अभी नींद आ रही है, बस इधर उधर ऐसे कर करके अब यहाँ पर सोने वाली है। और आज नाश्ते में रोटले बने थे, मैंने खा लिया है। मम्मी ने रोटले बनाए थे तो फिर मैंने कपड़े धो लिए, तब तक सोचा अभी मम्मी रोटले बनाने स्टार्ट कर दिए थे तो। और ये देखिए सारे कपड़ों को मम्मी ने सुखा भी दिया है। आज वैश्वी के कपड़े कुछ ज़्यादा ही थे तो सब धुल गए। अभी वैश्वी को देखो, वैश्वी इसे थोड़ी सी सर्दी हो गई है। वैश्वी जय श्री कृष्णा करो, दिख रहा? जय श्री कृष्णा वैश्वी, जय श्री कृष्णा। सोनू अभी पानी पी रहा था, पानी पी लिया है, यहीं पर बैठ गया है। सोना कपड़ा धोना चाहिए तेने कपड़ा? अभी कपड़े इतने ज़्यादा नहीं है तो आज मशीन को स्टार्ट नहीं किया है। अभी सबके निकलेंगे और ज़्यादा होंगे तो चालू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सोनू को देखो, सोनू को कपड़े धोने हैं उसके, तो बैठा है मशीन के ऊपर चढ़कर। फिर से आज वैश्वी का झूला रिपेयर हो रहा है, मानवीर और पापा दोनों। ये है ना, टाइल्स के ऊपर रहता ही नहीं है, पूरा ऊपर नीचे हो रहा है और पूरे घर में घूम रहा है। तब ये नए लेकर आए हैं। क्या छे मानवीर नवा? भाई झूला सराही कर रहा है और ये देखे सभी निकाल कर बैठी है। वैश्वी केम काढ़ी ना क्यों बदू? चलो अभी वैश्वी है रेडी, बाहर झूले में बैठेगी, वहां पर रख दिया है। वैश्वी को झूलने में मजा आ रहा है और मानवीर को झूलाने में। देखो धीरे धीरे नाचो मानवीर, बहुत फास्ट नाचो इतना। सर्दी थी गई एटले अब दीपावली की लास्ट मोमेंट चालू है सफाई की। सब हो गया था, ये एक पंखा बाकी रह गया था तो अभी से क्लीन कर रही हूँ मैं। मैं करने वाली हूँ फ्रिज की सफाई। ये देखे सारा सामान मम्मी ने बाहर निकाल दिया है और ये इसके ग्लास है वो मम्मी ने वॉश भी कर दिए हैं। अभी इसे निकालना है और इसे भी वॉश कर लेना है। यहाँ पर देखिए कितना गंदा हो गया है ये। अब ये मसाला गिर गया है शायद अभी अभी, ये देखिए। तो सबसे पहले मैंने स्क्रब के ऊपर लिक्विड ले लिया है बर्तन धोने वाला और इसको देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालकर जहाँ पर भी गंदा है मतलब पूरे फ्रिज में ही मैं तो अप्लाई कर दूँगी। इस तरीके से थोड़ा सा रगड़ लेना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ा सा हल्के हाथों से सब जगह पर अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो ये मैंने पूरे फ्रिज में इस तरीके से क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैंने लिया है एक गीला कपड़ा और उसकी हेल्प से पूरा फ्रिज इस तरीके से क्लीन कर लिया। गीले कपड़े से क्लीन करने के बाद मैंने एक सूखा हुआ फैब्रिक लिया और उसकी हेल्प से पूरा फ्रिज अच्छे से फिर से क्लीन कर लिया। तो ये देखिए फ्रिज एकदम मस्त हो गया है, चकचकाट करता एकदम नए जैसा। इसके बाद बारी थी इसके अंदर के जो पार्ट्स निकाले थे उन सबको अच्छे से वॉश करना और वॉश करके मैंने ड्राई फैब्रिक से क्लीन करके इसे अच्छे से फिक्स कर दिया। तो ये देखिए बाहर भी मैंने अच्छे से फ्रिज को क्लीन कर दिया था तो बहुत ही मस्त ये चकचकाट करता फ्रिज रेडी था। बस अब इन सब सामान को जो बाहर निकाला था उसे वापस से अंदर रखना था। सोनू को देखो, बाबू के डीचक दाना का बॉक्स है उसके अंदर घुस कर सो गया है।
सोनू बोल रहा है कि झूला तो उसे दे दिया, बॉक्स तो मुझे दे दो। सोना, हे शाना, सोनू। अभी हम लोग यहाँ पर क्लीनिंग कर रहे हैं और ये देखिए, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजर है, इसके अंदर सोल है, इसके अंदर टॉवेल है और इसके अंदर वैसवी के कपड़े एक्स्ट्रा जो नहीं यूज कर रहे हैं वो रखे हुए हैं। इसके अंदर सारे एक्स्ट्रा बैग हैं। ये देखिए, ये जींस से बनाया है मैंने, पुरानी जींस से बना हुआ। और ये वाला, इसके अंदर अलग अलग कुशन कवर है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले भी मैंने ये आपको दिखाए थे। ये अभी बाहर बेडशीट लगाई है, उसकी मैचिंग है, लेकिन ये मुझे सेम सेम पसंद ही नहीं आते तो मैं इसे नहीं लगाती हूँ। ये देखिए, ये साड़ी से बनाया है मैंने। साड़ी के अंदर इस तरीके के जो नीचे पूरा होता है ना, तो ये इस तरीके से केरी बनी हुई थी तो उसको लिया है। ये ब्लाउज पीस का फैब्रिक है, ये मैंने पुरानी कुर्ती से बनाया हुआ है। और ये देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों को ज्वाइंट करके, ये तो एकदम नए पड़े हैं, अभी किसी के खराब हुए होंगे तो उसके ऊपर लगा दूंगी। बेडशीट के साथ आते हैं ना वो वाले हैं, ये मैंने टॉवेल से बनाए हैं। अभी इसे लगाऊंगी कार में रखने के लिए। ये ना टॉवेल है ना, अच्छे से पोंछ ही नहीं रहा था। मानवीर का टॉवेल था, एकदम नया था, कोई यूज नहीं हुआ था, ऐसे ही पड़ा था। तो फिर इसके मैंने ये पिलो के कवर बना लिए। ये वो साड़ी वाले का दूसरा, ये हार्ट से, या ना जो सर्दियों में पहनने का जैकेट नहीं होता जेंट्स का, उसके अंदर इस तरह का सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। ये देखिए, वो एक पुरानी थी चेतन का, वो क्या बोलते हैं, कोट स्वेटर क्या बोलते हैं वो, तो उसके अंदर था इस तरीके का। तो वो एकदम खराब हो गई थी, डोनेट करने के लायक भी नहीं थे, तो उसके अंदर से मैंने ये निकाल लिया और उसमें से बनाया है। ये नेहा ने बनाया था, गोटा पत्ती पूरे में लगाकर। ये मैंने टॉप में वीडियो बनाया था जब चैनल की स्टार्टिंग की ना, तभी, काफी साल पुराना है, काफी अच्छा रिस्पांस मिला था उसका मुझे वीडियो का भी। पर ये एक ही है तो यूज नहीं कर पा रही हूँ, पर मेरी क्या बोलते हैं, मस्त वाली मोमेंट, यादगिरी है। ये पुरानी कुर्ती से बने हुए हैं, तो ये भी पुरानी कुर्ती से बनाया है। ये मैंने बहुत बहुत ज्यादा यूज किया है इसे, अभी इसके साइड से खराब हो गया, लेकिन ये भी मुझे बहुत पसंद है इसीलिए रखा है इसे। ये मेरी शादी के वक्त के, शादी के वक्त जो बेडशीट थी ना मेरी, इसमें इस तरीके के थे सबको। मैंने उसमें से जो अंदर के जो थे ना पिलो, उस वक्त का मैंने कॉटन निकाल के कहीं और फिल कर दिया, ये ऐसे ही पड़े हुए बस अब। और ये सारे मैंने बनाकर रखे हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए, लेकिन कोई आता है तभी याद ही नहीं आता है। जब मम्मी को बोल के रखा है याद करो ना। ये मैंने इसकी कॉपी करके वीडियो बनाया था, तो मैंने एकदम कलरफुल बनाया है। और ये देखिए, ये एकदम बड़ा सा ऑर्गेनाइजर है और इसके अंदर मैंने सारे आसन रखे हुए हैं। ये ऊपर से यहाँ से वहां तक पूरा ओपन हो जाता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, सब अच्छे से सेट करके रख दिया है। और यहाँ पर अभी तक मेरे पर्दे नहीं लगे हैं क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिला, तो शायद दीपावली के बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं तभी लगा दूंगी। और ये देखिए, ये मेरे होममेड फ्रिज मैट है, ये मैंने फ्रिज के मैट बनाए थे और उसी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं रेडीमेड लेकर आई थी ना वो मेरी फ्रिज में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर बड़े हो रहे हैं, तो फिर मैं इसी को यूज करती हूँ। ये एकदम मस्त से आ जाते हैं मेरे। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं ना तो बहुत आसान तरीका है। मैंने ये वाला ग्लास निकाल लिया था और इसके मेजरमेंट से ये दो फैब्रिक कट किए ये वाले, और फिर उसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया था। फिर इसमें मैंने क्विल्ट बना लिए बीच में फोम लगाकर, और फोम लगाने के बाद क्विल्ट बना लिए। क्विल्ट बनाने के बाद है ना, और इसको ग्लास को ही रख कर फिर मैंने अच्छे से कट कर लिया शेप देते हुए, और फिर बाद में ये ऊपर से ये इस तरीके की मैंने पाइपिंग कर ली है। बस इजीली ये बन गए हैं।
और बहुत ही अच्छे से मुझे तो ये काम लग गए, क्योंकि वो जो रेडीमेड लिए थे वो तो नहीं हो रहे थे मेरे में, बड़े बहुत हो रहे थे। अगर मैं साइड से उसे कट करती ना तो वो पेपर पूरा लेमिनेशन किया होता है, तो अगर मैं साइड से उसे एक्स्ट्रा कट करती तो वो पूरा खुल जाता, टूट जाते। यही मेरे अच्छे से अभी हो गए हैं सेट। सो नाम चितारो? वंशी। बेग लेवा आवी थी? हाँ। तने गमे छे मारा बेग? हाँ। सो राखू छे तने नामा? कटलेरी राखीस। हाँ। बाले बाले वैश्वी, ये तेरा भाई है, बट चुप हो जा। सो गाइस देखिए, मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने पहनी है कुर्ती, ये वाली कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है, और रोज रोज नाइट ड्रेस जैसे कपड़े पहन पहन के अब थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे कपड़े पहनूं, लेकिन घर में कंफर्टेबल भी वही रहता है तो ये मजा नहीं आते। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, मानवीर को कुछ लेना है और मुझे भी कुछ लेना है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या लेने वाले हैं। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हमारे गांव की मार्केट में। जो मुझे और मानवीर को लेना था वो दोनों को नहीं मिला। मुझे वैश्विक के लिए एक ढिंगली लेनी थी, बहुत ही प्यारी, मैंने किसन में पहले देखी थी लेकिन अभी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। और मानवीर को बैबलेट लेने थे, लेकिन वो भी उसे रामदेव और किसन दो शॉप है हमारे गाँव में जहाँ मिल सकते हैं, वो दोनों जगह पर नहीं मिले। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखिए एकदम मस्त से दीपावली के लिए सब स्टॉल लगे हुए थे, वो देख रहे थे और मैंने शॉपिंग करी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। सो गाइस, इस वीडियो का हम यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे कल ऐसे ही और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय भारत।